नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि भारत में हिंदू आबादी 80% के आसपास मानी जाती है, तो वहीं पर शांति प्रिय समुदाय की आबादी लगभग 15% के आसपास मानी जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी भारत के अंदर 80% आबादी को कोई भी नहीं पूछता, जबकि 15% आबादी वाले लोगों का हर जगह बोलबाला है। राजनीति से लेकर के हर क्षेत्र के अंदर 15% की आबादी को अधिक महत्व मिलता है, जबकि 80% की आबादी को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया जाता है। चाहे आप लोग ठाकुर हो, पासवान हो, यादव हो, जाट हो, गुज्जर हो, कुर्मी हो, कुशवाहा हो या फिर किसी अन्य जाति के क्यों न हो, आप लोगों को वो महत्व नहीं मिलता जो कि 15% की आबादी को दिया जाता है। ये बात कटु है किंतु सत्य है कि आप लोग चाहे किसी भी जाति से क्यों न हो, आपकी गिनती 80% आबादी के अंदर ही होती है और आप लोग अपने ही लोगों का आरक्षण और नौकरी के नाम पर गला काट रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि चाहे वो SP हो या फिर BSP हो, SP अपनी पार्टी में यादवों को नाराज तो कर सकती है, लेकिन मुसलमानों को नाराज करने का जोखिम कभी नहीं लेती और यही हाल BSP पार्टी का भी है। BSP अपनी पार्टी में जाटवों को नाराज तो कर सकती है, लेकिन मुसलमानों को भूलकर भी नाराज नहीं कर सकती। कमोबेश भारत की हर पार्टी का यही हाल है। कोई भी पार्टी अपने दल के अंदर मुसलमानों को नाराज करने का जोखिम नहीं ले सकती। इसका कारण जानने से पहले आप लोगों को इस तस्वीर को दिखाता हूं। ये तस्वीर है हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की, जिन्होंने संसद में शपथ लेने के दौरान जय फिलिस्तीन का नारा लिया था। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर भारत के मुस्लिम लोग फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं, जबकि भारत और फिलिस्तीन के संबंध ना ही तो इतने गहरे हैं और ना ही इतने महत्वपूर्ण, लेकिन इसके बावजूद भी भारत में रहने वाला हर मुस्लिम एक मुसलमान होने के कारण फिलिस्तीन का समर्थन करता है, जबकि भारत में रहने वाला हिंदू कभी भी 370 हो, चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे वो बंगाल में घटती हिंदुओं की आबादी हो, चाहे वो केरल के अंदर घटती हुई हिंदुओं की आबादी हो, इसके नाम पर कभी भी वोट नहीं देता। भारत में अगर कहीं भी हिंदुओं पर अत्याचार होता है तो भारत में रहने वाला हिंदू कभी भी उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाता, जबकि मुस्लिम लोगों को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मुस्लिम लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ सामने वाला व्यक्ति अगर मुसलमान है तो वो उसका खुल करके समर्थन करते हैं, चाहे वो भारत का हो या फिर भारत से बाहर का हो। जिस आरक्षण और नौकरी के चक्कर में हम लोग अपनी ही जड़ों को कमजोर करते जा रहे हैं, वही हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए एक बड़ा काल बन सकता है। दोस्तों, अगर आप लोगों को आपस में लड़ना है तो लड़ो, लेकिन एक बात को ध्यान रखना कि कभी भी बाहर वालों को अपनी लड़ाई में ला करके खुद को कमजोर मत करना, क्योंकि आप सब लोगों को जयचंद का इतिहास अच्छे से याद होगा। हिंदुओं की फूट और एकता न होने के कारण ही भारत के अंदर राम मंदिर बनने में लगभग 500 वर्षों का समय लग गया। अगर भारत के हिंदुओं में एकता होती तो राम मंदिर बनने में 500 सालों का इंतजार नहीं करना पड़ता, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिस भाजपा ने राम मंदिर बनाया वही भाजपा यूपी के अंदर बुरी तरह से हार गई और साथ ही साथ पूरे भारत के अंदर भाजपा की सीटें कम हुई। मैं आप सब लोगों से एक बात कहना चाहता, अगर आप लोग अपने घर में भगवान श्री रामचंद्र जी की पूजा करते हैं और आप लोगों ने राम विरोधियों का वोट दिया है तो एक बात को ध्यान रखना कि आप लोग मुसीबत के समय में भगवान को याद नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान भी आपसे इस बात को जरूर पूछेंगे कि जब आपने मेरे विरोधी का साथ दिया तो भला आप किस आधार पर मुझसे अपना साथ मांगते हैं। हिंदुओं की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि हिंदू कभी भी हिंदू का साथ नहीं देता, जबकि मुस्लिम व्यक्ति हमेशा ही मुस्लिम व्यक्ति का साथ देता है, चाहे वो भारत में रहने वाला मुस्लिम हो या फिर भारत से बाहर का हो। यही कारण है कि आज भारत में रहने वाले मुस्लिम पूरी तरह से फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं, जबकि फिलिस्तीन भारत के लिए किसी भी लिहाज से उतना मायने नहीं रखता जितना कि इसराइल रखता है। दोस्तों, आप लोगों का इस वीडियो के बारे में क्या सोचना है, प्लीज अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।